मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सोमनाथ महादेव शरणे मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज गुजरात प्रवासे हो तरह आज रोज मध्यान्ह समय सोमनाथ महादेव दर्शने पधार्या था। सोमनाथ महादेव पाद पूजा और ध्वजा पूजन कर धन्यता व्यक्त करी थी। सोमनाथ मंदिर सुचारू दर्शन व्यवस्था और स्वच्छता माटे ट्रस्ट ने अभिनंदन आप्या हता। मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज गुजरात प्रवासे हो तरह आज रोज मध्यान्ह समय सोमनाथ महादेव मंदिर दर्शने पधार्या था। सोमनाथ ट्रस्ट तरफ थी जनरल मैनेजर विजय सिंह चावड़ाए स्वागत अभिवादन करू थ। मंत्रोच्चार साथ ब्राह्मणों द्वारा मंदिर में आवकार धीरेन्द्र शास्त्रीए सोमनाथ महादेव दर्शन और अभिषेक करता। पुजारी द्वारा चंदन तिलक कर आशीर्वाद आप ज्योतिर्लिंग क्षेत्र में पूजन अनेरु महत्व रहेलू है तरह बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराजे सोमनाथ महादेव की ध्वजा पूजा और पाद पूजा कराया था। सनातन धर्म में शौर्य और त्यागन प्रतीक गणाती केसरिया रंगनी पादन धीरेन्द्र शास्त्री महाराजे सोमनाथ महादेव ने पूजा में अर्पण करी थी। शास्त्रोतक विधि विधान साथ सोमनाथ मंदिर पुरोहितों द्वारा पूजा करावामां आवी हती। पूजन पूर्ण थया बाद धीरेन्द्र शास्त्रीए सोमनाथ ट्रस्ट की स्वस्थ ध्वजारोहण सुविधाओं लाभ लईने पोताना हाथे दोरडू खेंचीने ध्वजा ने शिखर सुधी पहुँचाड़ी थी। मंदिर ने सुचारू दर्शन व्यवस्था अद्वितीय स्वच्छता और सुनियोजित मंदिर व्यवस्थापन बदल सोमनाथ ट्रस्ट ने अभिनंदन पाठव्या था। आ तके तेमनी साथे प्रसिद्ध लोकगायक कीर्तिदान गढ़वी गीर सोमनाथ जिल्लाना विकास अधिकारी रविन्द्र खताले नायब पुलिस अधीक्षक खेंगार सहित महानुभावों उपस्थित रहा था। इस पावन धरा सोमनाथ महादेव प्रथम ज्योतिर्लिंग के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए। यहाँ की रज मस्तक पर लगाकर अतीव हृदय प्रसन्न है, गदगद है एवं आध्यात्मिकता से भरपूर है। ध्वज पगड़ी पूजन, ध्वज पूजन, ध्वज चढ़ाया और ध्वज ऐसे लहरा रहा है मानो संकेत दे रहा हो कि भारत में अब सनातन की बयार ऐसे ही लहराने वाली है और भारत के प्रत्येक घर घर पर ऐसे ही सनातन संस्कृति का ध्वज लहराएगा। बहुत सुंदर है, आकर अति प्रसन्नता हुई। सब यहाँ के जो पदाधिकारी हैं बहुत ही उनके अंदर सभ्यता है और संपूर्ण स्वच्छता का ध्यान है एवं सबको किसी को भी असुविधा नहीं ऐसी व्यवस्था के साथ दर्शन हुए, इसके लिए हृदय से आभारी। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी आपका अकाउंट है इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।